दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू A18 तेलंगाना न्यूज। The alleged negligence of doctors took the life of woman by name Aisha Begum and her unborn baby at Madanapet. Family members demand action against the doctors. Reported by Sheikh Ahmed. मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है और मेरे वाइफ का नाम आयशा बेगम है और उनका ट्रीटमेंट आंगनवाड़ी जो है मादानापेट के मस्कती ग्राउंड हॉस्पिटल में चल रहा था और उनको खून कम है बोल के वहाँ पे कोटी हॉस्पिटल को भेजा है। वहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करे, वहाँ से जो है कोटी हॉस्पिटल को आंगनवाड़ी की जो है सिस्टर आके लेके चले गए एम्बुलेंस पे सुबह में, जुम्मा के दिन हफ्ते के दिन सुबह में लेके चले गए और वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। खून की पैकेट चढ़ाना पड़ता बोल के मेरे को बोले, तो यहाँ पे रहे तो हम चढ़ाते या नहीं तो फिर आप लेके आओ बोल के बोले। ठीक है भाई, नहीं रहे तो मैं लेके आता हूँ बोल के बोला। ठीक है लेके आओ बोल के बोले, तो मैं कुछ सैंपल दिए, मैं गया जाके मालूम कर लेके आया कि क्या रेंज में है, ये क्या है क्या बोल के मालूम करके आया। एक उनके पास थी, चढ़ा दिए। चढ़ाए बाद जो है ठीक है रहें तो मैं बोले खुद लेके आओ बोल के, फिर बोले तो ठीक है बोल के अब वो सेकंड फ्लोर पर डाल दिए, हो गया इनको चढ़ा दिए, लेके जाओ ऊपर चले जाओ बोल के उनको बोले। रात में लेके गए, खाना वाना खा लिए, अच्छे रहे, सो गए उन्होंने। फिर सुबह में मैं संडे के दिन गया तो सुबह में ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हुआ, खाली एक टैबलेट दिए गए, तो कौन सी टैबलेट दिए नहीं मालूम, वो तो लेडीज़ को दिए, मैं था नहीं उसमें। सुबह में गया तो टैबलेट दिया और डॉक्टर से आने की वजह से संडे के दिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर मंडे के सुबह के दिन जो है इन लोग लेके गए, सुबह में लेके गए थे, मेरे को बुलाए फ़ोन करके, मैं गया तो टेस्ट दिए, एक टेस्ट करा के मैं टेस्ट कराने गया बाहर, उनको अंदर लेके गए, मेरे को खून चढ़ा रहे हैं बोल के, हमारे वाइफ चले गए अंदर, तो उन्होंने अंदर जाके जो है ट्रीटमेंट चालू हो गया उनका, उसके खून चढ़ा रहे हैं बोल के मैं, हमारे वाइफ चले गए। उसके बाद मैं आया टेस्ट लेने गया तो वो एक घंटे के बाद मिलती बोल के बोले। उसके बाद हमारे साली आए, उन्होंने अंदर थे, उन्होंने भी मेरे को बुला के लाए। उसके बाद जो है फिर बुला के बोले, अब भाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, वहाँ यहाँ ऐसा ब्लीडिंग हो रहा, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें लीवर में भी जा सकता, ब्रेन में भी जा सकता, कहीं भी रुक सकता, हार्ट में कहीं भी गड्ढे रुक सकते, इन्फेक्शन हो गया, कहीं भी सर्कुलेशन रुक जा सकता ब्लड का बोल के बोले। तो ठीक है भाई क्या करना बोल के बोला, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या हुआ, तो नहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो ये साइन करो, वो तो मैं साइन करा। साइन करे बाद क्या करे, फिर एक टेस्ट दिए, मैं गया टेस्ट लाने, साली आ गए, फिर अंदर बुला के जो है बड़े डॉक्टर ने यहाँ 3-4 ठहरे हुए थे, बोले पूरे जने मिल के ऐसा प्रॉब्लम है इनको, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया, खून ब्लड चढ़ाने से इन्फेक्शन हो गया, बेबी मरा हुआ है, कुछ भी नहीं बोले उन्होंने, खाली इन्फेक्शन हुआ बोले, अच्छे हो जाए इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम है क्या बोल के दो बार पूछा, नहीं कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी जो है इनको 5 पॉइंट खून है, इतना खून कम कहीं हुआ है बोल के बोले। तो भाई पैकेट चढ़ाते बोले ना, एक पैकेट चढ़ाए बार टेस्ट करे नहीं करे नहीं मालूम। उसके बाद क्या करे, फिर सडनली थोड़ी देर के बाद इनको बहुत सीरियस है बोल दिए, सीरियस है, उस्मानिया लेके जाना पड़ता बोल के बोले। तो बोला उस्मानिया कहीं को बोले, तो लेके जाना पड़ता, वो सीरियस है, वहाँ के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हमें भी बच्चे की बात तो निकाले नहीं, भाई मरा नहीं मरा नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, बच्चा तो मर गया बोल के हमारे यहाँ मालूम हुआ। उस्मानिया में स्कैनिंग करे बाद मालूम हुआ कि बच्चा 5 घंटे पहले मरा बोल के, 5-6 घंटे पहले मरा बोल के मालूम हुआ। वहाँ पे जो है अभी कोटी के हॉस्पिटल वाले बोले नहीं हमारे, बच्चा मरा लेके जाओ उस्मानिया को बोल के, नहीं बोले कुछ भी नहीं बोले, खाली इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ लेके जाओ बोल के बोले। आज मेरे वाइफ के साथ हुआ, अल्लाह करे ये किसी के साथ नको, किसी के वाइफ के साथ नको, किसी की बहन होंदे, जो भी होंदे भाई, जो भी बरार लेडीज़ हो, उन लोगों के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको मासूम बच्चे हैं, मेरे भी छोटे छोटे सबके बच्चे रहते, छोटे छोटे मेरे एक लड़का है 7 साल की, एक बच्चा है 5-6 साल का बच्चा है। तो ऐसा ट्रीटमेंट करके जो उस्मानिया को लेके के बाद बोले, आधे घंटे के बाद स्कैनिंग निकाले बाद उनकी डेड हो गई बोले, बच्चा डेड, पहले तो बोले बच्चा मर गया, बॉडी अच्छी है बोले, उसके बाद बड़े लोगों को भी उनको भी डेड हो गए बोल के बोल दिए। जरी देर में एक 10 परिणाम बाहर लेके गए, तो भी अंदर नहीं लेके गए भाई, बाहर भी आधा घंटा ठहरा कर दिया, एम्बुलेंस लेके नहीं गए अंदर, कोई लेके आ रहा ऑक्सीजन लेके आने गए, अंदर ही चले गए आधा घंटा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा भाई, कहाँ है मिल रहे नहीं, वो लोग कौन है, अगर लेके आए सुनो भी नहीं दिखे, छोड़ के चले गए खत्म, डॉक्टर्स चले गए डर के, बोले भी नहीं, अरे भाई हम यहाँ आए बोल के, अंदर आओ ऑक्सीजन है। उनका नाम आयशा बेगम है, उन्होंने 26 एज है उनकी, तो कोटी हॉस्पिटल में एडमिट करे थे ब्लड के लिए, 6.4 था उनका ब्लड, वहाँ से क्या करे एक पैकेट चढ़ा दिए सैटरडे के दिन एक चढ़ा दिया, मंडे के दिन एक चढ़ाए के थे, वो ब्लड रिएक्शन हो गया और उनको
सही ट्रीटमेंट नहीं करे वहाँ पर। मैं जाके पूछी क्या हुआ मैडम ऐसा कहीं को करे, वो तो नहीं कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ रिएक्शन हुआ बोल के बोले। आखिर कहीं को इतना ऐसा सांस नहीं लेने दे रहे क्या, तो भी आखिर ऐसा कहीं को कर रहे तुम लोग, बोलते नहीं मैं हम लोग ब्लड चढ़ाए थे ना उससे कुछ रिएक्शन हुआ, बेबी अंदर अच्छे है उन्होंने भी अच्छे बोल के बोले। उसके बाद क्या करे फिर क्या करना है मैडम ऐसा बोले तो नहीं, उस्मानिया को लेके चलो वहाँ पर बड़े बड़े मशीन है वहाँ पर ऑक्सीजन इंटरवेटिव में रखते उसमें कुछ भी ना होता उस्मानिया में ट्रीटमेंट अच्छा होता बोल के बोले। एक हॉस्पिटल में थे पहले हाँ कोटी हॉस्पिटल में थे वहाँ पर हाँ कोटी हॉस्पिटल में थे कोटी हॉस्पिटल से उस्मानिया शिफ्ट करे हाँ एक घंटे जबीज करे तो जबीज एक दो घंटे अजीज करे शिफ्ट कर दिया अजीज करे बाद में वहाँ पर लेके गए वहाँ पर लेके जाके वहाँ भी एक घंटा लापरवाह बाहरी एम्बुलेंस में रख दिए वहाँ से क्या करे फिर अंदर लेके जाके ओपी चिट्ठी बनाए बना के अंदर जाके फिर स्कैन कराए लेके जाके स्कैन कराए बाद में बेबी मर के पाँच घंटे हो गया अब कुछ नहीं कर सकते बोले। तो फिर वो स्कैन चिट्ठी ला के डॉक्टर्स को बताए वहाँ भी एक घंटा लेट करे कुछ भी नहीं बोल रहे वो लोग कुछ भी नहीं हुआ अच्छा ही छे बोले। फिर लास्ट मोमेंट पे जैसा कि उन्होंने ऐसा कर दिए पूरा मुँह में से पूरा कफ चले जा रहा जब बोले ना कुछ भी नहीं है इनका डेथ हो गया बोल के ऐसा बोले। कोटी में तो कुछ भी नहीं करे बोला खाली जो वो ब्लेड चढ़ाए कहते वो ब्लेड भी कोसा चढ़ाए नहीं मालूम वो लोग हम ना ला के देते बोले तो नहीं सुने कहते वो लोग नहीं हमारे पास है हम ना चढ़ाते बोल के बोले कहते बस यहाँ से तो अच्छा गए उन्होंने वहाँ पर। और चार जने अंदर ऐसा हाथ डाल के भी देखे तो उसमें से ब्लीडिंग भी जा रहा वो अंदर इन्फेक्शन कर दी है हाँ अब उनका अब क्या करे वेंटिलेटर पे लगाने से जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? कोटी के डॉक्टर से कोटी के डॉक्टर ही जो लापरवाह करके हमको इधर भेज दिए यहाँ पर स्कैनिंग करा के बोले नहीं बच्चे का डेथ हो गया बोल के बोले। ट्रीटमेंट कौन से डॉक्टर के हाथ पे चल रहा था वहाँ पर कोटी डॉक्टर नाम बोले डॉक्टर का नाम क्या बोल सकते हैं सर हम क्या मालूम होता इतने डॉक्टर आए वहाँ पर यहाँ से तो मादना पेट से था उधर हम ना उधर भेजे मादना पेट से डॉक्टर इधर भेजे गीता मैडम है ना परसों मंडे के दिन चेकअप करे यहाँ पर गीता मैडम हाँ तो इधर भेजे कोटी हॉस्पिटल को इधर होता ना ट्रीटमेंट बोल के भेजे वहाँ पर बोला सही नहीं करे ट्रीटमेंट नहीं करे। और मैं भी पूछी जाके और मैं आशा वर्कर भी हूँ मैडम मेरे को कहीं को नहीं आने दे रहे अंदर मेरे को नहीं आने दे रहे अंदर हम पर तो मैं डरा के पूछी आखिर क्या हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ बोले मेरे को कुछ भी नहीं हुआ अच्छा अच्छे बोले। मैं भी पूछी हमारे बहन को ऐसा पूरे हाथा डाल के देखने से पूरा खून बाहर चले जा रहा था अब हम लोग क्या करें फिर उस्मानिया को भेज रहे तो भी पूछी मैं हालांकि कहीं को भेज रहे मैडम बोलते वहाँ ऑक्सीजन बढ़े रहते और कुछ भी नहीं रहता बच्ची अच्छा सेफ में रहती बेबी भी सेफ में रहती और आयशा भी सेफ में रहते वैसी टेंशन की बात नहीं है बोल के भी बोले मेरे से।